वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की इस तीसरी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सीट इवेंट्स पे होने वाले कुछ एक सैंपल प्रोजेक्ट के बारे में। हमने वीवीए मैक्रो कोड कंसेप्ट की तीसरी क्लास में ले रहा हूं, जिसमें हमने पहली क्लास में बताया था कि वर्कबुक को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरी क्लास में वर्कबुक से रिलेटेड एक छोटा सा सैंपल प्रोजेक्ट बताया था, एंड फिर हमने शीट कल की क्लास में हमने आपको शीट्स के इवेंट बताए थे कि शीट को कैसे कॉल किया जाता है। आज हम शीट पे होने वाले कुछ एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ी सी आगे की चीजें भी हो सकती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं उतना पे ही हमारा कोई काम हो जाए जो हमें आता है, कुछ नई चीज भी उसमें आ जाती है। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट सिंपल सा है कि मुझे डेटा डाउनलोड करना है पूरे साल का मेरे सॉफ्टवेयर से, बट क्या है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है सेटिंग है कि वो मंथ वाइज डेटा डाउनलोड करता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे। जैसे मुझे अगर जनवरी महीने का डेटा डाउनलोड करना है तो मुझे यहाँ 1 से लेके 31 तक का सीट बना देना होगा, फिर मैं इस फाइल को लिंक दे दूंगा कि हाँ इसमें डेटा डाल दो, तो वो उसमें डेटा डाल देगा। मतलब कि मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पुराना है, वो एक्सेल की फाइल बनाकर उसको डाउनलोड नहीं कर देता है, वो डेटा को कॉपी करके पेस्ट करता है। तो हमें डेटा लेने से पहले, इंपोर्ट करने से पहले हमें बताना होता है कि इस फाइल में डेटा इंपोर्ट करना है। तो अगर हमने अगर एक डेट का बनाया तो चलो एक सीट पे डाल देता है, लेकिन अगर हमें पूरा मंथ का डेटा चाहिए होता है तो कलेक्टेड नहीं देता है, वो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में डालता है। तो अगर जनवरी महीना है तो हमें उसको 31 सीट इस तरीके से बना के देने पड़ेंगे, फरवरी महीना है तो 28 या 29, लीप ईयर है तो 29, अगर मार्च है तो 31। तो मंथ के हिसाब से टोटल 365 शीट्स मुझे बनाने हैं, बट उन सीट्स को मंथ वाइज अरेंज करना है फाइल में। प्रॉब्लम समझ में आया? आ गया सर। अगर मैनुअली करें, मान लो वीवीए प्रोग्रामिंग छोड़ देते हैं, तो मैनुअली क्या करेंगे हम? मैनुअली हमारा एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाएंगे, जो 2020 का लोकेशन, उस पे जाएंगे और मान लीजिए कि हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया हुआ है डेटा का। अब उस डेटा फोल्डर के अंदर में हम पहला फाइल बनाएंगे न्यू वर्कशीट हमने कर दिया, इसका नाम देंगे मान लीजिए जैन, और फिर इस फाइल को ओपन करेंगे और इसमें हम 31 शीट को ऐड करेंगे। ऐसे फिर दूसरा फाइल बनाएंगे फैब, इसमें हम यहाँ पे 28 सीटों को ऐड करेंगे और यही कंटिन्यूस 12 महीने तक चलेगा। ठीक है लोकेश जी, सकल जी एंड अभिषेक सिंह जी, प्रॉब्लम क्लियर है आपको? प्रॉब्लम क्लियर है सर, क्लियर है। कभी भी कोई मैक्रो बनाते हैं या किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम को मैन्युअली कैसे करते हैं वो चीज को जानना जरूरी है। अगर ऐसा अगर जान लेते हैं तो आप उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने में आसानी हो। ललित जी क्या लग रहा है, आज आपको प्रॉब्लम है क्या इंटरनेट में, क्योंकि आप 2 बार लॉग आउट हो गए? हाँ जी सर, मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नहीं ललित जी से बात कर रहा हूँ, लोकेश जी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं मेरा तो सही चल रहा है सर। ललित जी की प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर, मैंने मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं सर, आप बैठे देखे रहे, इसकी रिकॉर्डिंग में क्लास के बाद तुरंत भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो हम चलिए इसका हम माइक्रो लिखते हैं। तो हम सबसे पहले डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक पे आएंगे और जिस सीट में फाइल में माइक्रो रखना है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी ओपन फाइल और एडिंग्स है आपको लिस्ट दिख जाता है, तो जिस फाइल के अंदर मुझे करना है, मुझे इस फाइल के अंदर करना है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसमें इंसर्ट कीजिए मॉड्यूल, क्योंकि हम जो भी मैक्रो बनाते हैं मॉड्यूल्स में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ पे देते हैं CRT_5 या कोई भी नाम दे सकता हूं मैं यहाँ, लेकिन नाम अगर कुछ टॉपिक से रिलेटेड देंगे तो आगे चल के उस मैक्रो को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मुझे 12 फाइलें बनानी है,
तो बाद बनाने के लिए क्या कोड, कोड क्या बताया था हमने आपको, हमने बोला था कि यहाँ पे वर्क वर्क बुक्स डॉट एड, और मुझे लगने साथ ही साथ उसको सेव कर देना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ। और कौन सा पाथ और क्या नाम चाहिए, तो इस पाथ में मुझे सेव करना है, और नाम क्या होना चाहिए, तो पहले में मैंने जैन डॉट एक्सएलएस एक्स कर, ओके। अब मुझे ऐसे ही कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहां पे फैब करना है, यहां पे फिर पेस्ट करना है, मार्च करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत तरीका है, गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, ओके। क्योंकि अगर 100 फाइलें बनाओ तो 100 बार कोड लिखेंगे, नहीं, मतलब कि मुझे इसको रन करना है 12 बार। तो किसी भी कोड को अगर आपको रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर आई इक्वल टू चले 1 to 12 और नेक्स्ट नेक्स्ट आई। अब भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो 12 बार ही जैन नाम का फाइल ही बनाएगा, और पहला बार बचलने के बाद दूसरे बार में वो एरर दे देगा, क्योंकि एक फोल्डर में सेम नाम के दो फाइल नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सर। तो मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है कि जैन अगले बार में फायर मार्च हो जाए, तो इसको समझने के लिए पहले हमें लूप को समझना है। तो मैं एक अलग माइक्रो में हम लूप समझाते हैं कि लूप क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 और हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट आई। अब मैंने यहाँ पे एमएसजी बॉक्स लेके मैंने यहाँ पे हाई कर दिया, तो क्या होगा कि इस बॉक्स को 5 times रिपीट करेगा। देखिए 1 2 3 4 and 5, मतलब कि 4 और नेक्स्ट के बीच में जो भी कोड होगा वो जितना टाइम्स आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उतना टाइम्स को रिपीट करेगा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात आती है कि वो कितना बार रिपीट कर चुका है, इसका डेटा कहाँ स्टोर करता है, उसका डेटा स्टोर होता है आई के ऊपर। और आई क्या है, जैसे मैथमेटिक्स आप बनाते हैं तो वेरिएबल लेते हैं ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसी तरीके से किसी प्रोग्राम में लिखते समय भी हम वेरिएबल लेते हैं। तो आई हमारा एक वेरिएबल, मतलब कि टेंपरेरी सेविंग लोकेशन हो, तो डिटेल्स आई पे हो जाता है। अब मैं आई को कहीं भी यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया आई, तो अब क्या होगा कि आपको यहाँ बताएगा कि मैसेज बॉक्स कौन सा चल रहा है, यहाँ देखिए 1 high 1, क्योंकि आई का मान फर्स्ट टाइम 2 था, क्योंकि पहला बार नया लूप चला है। नेक्स्ट, अब दूसरा लूप चला तो आई का जो वैल्यू है 2 हो गया, 3 4 5। समझ आया आपको ऐसा लूप? यस सर। अभिषेक जी कोई प्रॉब्लम है इसमें? लोकेश जी, संकल्प जी, आपको हो सकता है समझ में ना आए क्योंकि आपको प्रोग्राम। सुजी सर थोड़ा थोड़ा आइडिया है सर, अपना यूट्यूब वगैरह पे हम लोग देखते रहते हैं दोनों ही, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है सर, तो समझ में आ गया सर आपने जो समझाया। लूप अंडरस्टैंड हो गया और आई क्या है भी अंडरस्टैंड हो गया। तो क्यों ना हम यहां भी तो आई है और 1 to 12 तक का हो रहा है, तो मैं यहां पे मैं कॉन्कैटेनेट कर दूं। अब बोलेंगे सर आपने इसको तोड़ क्यों दिया, मैं डायरेक्ट आई लिख सकता था, डायरेक्ट आई लिख सकता था ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर आई दे दिया तो आई नाम का ही फाइल बनाएगा। जैसे एक्सेल सीट में होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए A1 पे कोई वैल्यू है, तो अगर आपने इक्वल A1 किया तो उसकी वैल्यू पिक कर लेगा। अब यहां मान लीजिए कि यहां भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो अगर मैंने यहां पे किया C1 और C1 के साथ अगर मैंने कॉन्कैटेनेट इन्वर्टेड कॉमा में A1 कर दिया तो A1 ही हो जाएगा ना। तो जब तक इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर नहीं रखेंगे तब तक इसकी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो सेम चीज यहाँ है, क्योंकि आई जो है एक वेरिएबल है जिसको हमें रखना है, तो हमने क्या किया, अपने पाथ को तोड़ दिया, हमने बोला ये हमारा पाथ है, आई से हम फाइल नेम ले लेंगे और ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। फिर भी यहाँ मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जैन फैब मार्च ऐसे नाम चाहिए, बट आई क्या कर रहा है, ए 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बनाएगा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नंबर को मंथ में कन्वर्ट कर दे, जैसे 1 है तो उसको जैन कर दे, 2 है तो उसको फैब कर दे, 3 है उसको मार्च कर दे, ऐसा कुछ चाहिए हमें। तो इसके लिए हमारे पास VVM एक फंक्शन होता है मंथ नेम, मंथ नेम, ठीक है। यहां पे 2 कर देंगे तो सॉर्ट बनाएगा मंथ नेम, ओके। अब होगा हर महीने की 12 फाइलें बनके तैयार हो जाएगी। तो हमने एक ऐसा मैक्रो बना लिया जो कि 12 फाइलें क्रिएट करता है जैन फैब मार्च के नाम से। अगर मैं इसको रन करके दे दूं तो भी हो जाएगा, लेकिन जो फाइल ऐड हुई है उसको क्लोज भी तो करना है। तो मैंने यहां पे एक्टिव, क्योंकि अगर मैं इस मैक्रो का भी रन कर दिया 12 फाइलें क्रिएट कर देगा, बट वो 12 फाइल यहाँ एक्टिव होगा, ओपन होगा, क्योंकि जब फाइल क्रिएट होता है तो ओपन ही होता है ना, तो एक्टिव ही होता है। तो यहां हम एक कोड डाल देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। हमने एक फेस को पूरा कर लिया। अब इसको मैं रन करता हूं तो देखिए 1 by 1 12 फाइलें बनाएगा, और उस 12 फाइलों को आप देखिए सेम लोकेशन में ला लिया है। अल्लाह ना सर, तो मेरा एक फेस प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम को ऐसे फेस बाय फेस करें तो सही रहेगा, माने कि छोटे छोटे पहले आप इंटरवल छोटे छोटे चीजों को कंप्लीट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी भी मेरा फाइल का काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इन फाइलों के अंदर में उसके मंथ के हिसाब से सीट डालना है, समझे? Yes, sir. क्या है कि मेरे पास ईयर पता है 2020, मंथ मुझे आई से मिल जा रहा है 1, 2, 3 और डेट 1 फिक्स है। तो हमें पास एक डेट फॉर्मूला होता है, डेट फॉर्मूला में ईयर मंथ और यहां पे डेट कर दूंगा तो यहां डेट बन जाता है। तो यहां हम एक जो है लेता हूं और यहां पे करता हूं, ऊपर नहीं कर देता हूं, डी टी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सेल में डेट का फॉर्मूला होता है ना, बट VVM में डेट का फॉर्मूला वर्ड बैलेंस क्या होता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। डेट फॉर्मूला यहां बन जाता है डेट सीरियल, डेट सीरियल। इसमें ईयर 2020 है, मंथ हमने 1 ले लिया और डेट जो है हमारा 1 है, बन गया डेट। लेकिन मुझे इस ये जो मंथ डेट बना है, कौन सा डेट बना है, जिस महीने का फाइल बना रहा है उस महीने का फर्स्ट डेट, मुझे तो चाहिए लास्ट डेट। ये समझ में आया राइन आपको कि नहीं सर? तो वन के जगह पे मैं आई कर देता हूं ताकि सिक्वेंसी में 1, 2, 3 ऐसे उसको मंथ मिलता रहे, और पहले बार में वो मार्च का जनवरी का बनाया, फिर दूसरे बार में फैब का बनाया, तीसरे बार में मार्च का बनाया, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आपका एक्सेल में ये डेट फॉर्मूला कर रहा है, ऐसे यहाँ पे डेट सीरियल फॉर्मूला कर रहा है, बट मुझे इस डेट का लास्ट मंथ, इस मंथ का मतलब इस डेट का लास्ट डेट चाहिए, उस मंथ का लास्ट डेट। जनवरी 1 है तो 31 चाहिए, फरवरी है तो 29 या 28 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट हो? तो एक्सेल में एक फॉर्मूला है इसके लिए ईओ मंथ, मतलब कि एंड ऑफ द मंथ। हमने यहां पे सिलेक्ट किया, 0 कर दिया, तो इस महीने की वो लास्ट डेट निकाल के। अब लास्ट डेट एक्सेल में कैसे निकाले? तो एक्सेल में ईओ मंथ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो एक्सेल फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन का फॉर्मूला डायरेक्ट VVA को सपोर्ट करता है। कैसे पता चला? नीचे एक्सप्रेशन आया, बट ईओ मंथ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। कैसे पता चला? मैंने जब ईओ मंथ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला VVA को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। तो कैसे करें? तो यहां पे हम लिखते हैं DD, उसी को ओवरराइड कर देता हूं मैं, एप्लीकेशन डॉट
वर्कशीट फंक्शन डॉट ई और इसमें हम देंगे डीटी एंड कॉमा जीरो, तो इस महीने की लास्ट डेट निकाल दें। ओके, अब मैं यहां पे सिंपल क्या करूंगा, सिंपल करूंगा कि सीट्स डॉट एड और यहां देखिए काउंट है, मैंने बताया था ना कल काउंट, तो काउंट में हम सीधे बोलेंगे कि डे और डे के अंदर में कर देंगे ड्यूटी। बराबर है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि डे फॉर्मूला क्या करता है, इसमें से 31 जितने भी मंथ का डे डेज है वो निकाल लेते हैं, 31 से 31, 28 से 28। अब देखिए क्या होगा, दूसरे महीने में क्या होगा, 29 निकाल के देगा, तीसरे महीने में 31 निकाल के देगा। जो प्रोसीजर हमने यहां लगाया सेम प्रोसीजर यहां पे, तो ये आपको ऐड कर देगा। यहां तक समझ में आया अभिषेक जी या ललित जी? यस सर। जी आ गया सर। अब इसमें ये तो हो गया हमारा, अब इसमें प्रॉब्लम एक और आती है, क्योंकि मुझे ये भी फाउंडेशन है कि सीट में 31 सीट ही होने चाहिए। देखिए जब हम फाइल को ऐड करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट 1 या 3 सीट होता है ना? यस सर। अब हमने 31 ऐड कर दिए, 3 पहले से है तो क्या हो गया, 34 सीट ऐड हो गए ना। अब यहां दिक्कत है, मेरा सॉफ्टवेयर बोलता है कि नहीं ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगा, फरवरी का कुछ डेट लेके उसमें डाल दूंगा, समझे? अगर 34 सीट हो गया, 31 सीट तो जनवरी का डेटा डालेगा, अब 32 में क्या करेगा, फरवरी का डाल देगा। सो मुझे उतना ही सीट चाहिए जितना मंथ है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल यहां एक माइनस कर देंगे सीट्स डॉट काउंट, मतलब कि सीट ऐड करते समय जितना सीट है उतने सीट को माइनस कर, समझ में आ गया, सीट ऐड करना सर। यहां काउंट में क्या हुआ, जैसे सीट आप जैसे क्या होता है कि आप आपने यहां पे लिख दिया सीट्स डॉट ऐड, क्या होगा एक सीट ऐड करेगा, लेकिन में काउंट वाले पोर्शन पे चले जाएंगे बिफोर आफ्टर में ब्लैंक करके 5 कर दिया, तब एक सीट में 5 सीट ऐड करेगा। यही जब जो लास्ट डे जो यहाँ डीटी जो निकलेगा डेट होगा, जो लास्ट डेट होगा उसका डे अलग करेगा, उसमें से सीट की काउंट को माइनस कर लेगा, अगर 3 सीट है तो 3 कर लेगा, 1 है तो 1 कर लेगा, और जितना सीट बचेगा उतना सीट ऐड कर देगा। यहां तो समझ में आ गया। अब बात आती है हर सीट को रिडेम करने की, तो सीट को नाम चेंज करने का तरीका क्या है, तरीका है कि यहां पे सीट्स और यहां पे सीट 1 डॉट नेम इक्वल टू 1 ऐसे करना है, या फिर हम लिख सकते हैं सीट्स 1 डॉट नेम इक्वल टू 1, जो भी नाम है T1 क्या है इसका सीक्वेंस नंबर। अब यहां पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 तो नहीं लिख सकता, हमें नहीं पता कि क्या क्या नाम ऐड हुआ है, तो डिफॉल्ट आते रहता है ना सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4, उसका सीक्वेंस भी नहीं पता। बट ये क्या होता है, जैसे कल मैंने समझाया था, तो उसके सीक्वेंस के पहला सीट दूसरा सीट इस तरह से पोजिशन के हिसाब से, तो यहां पर हम करेंगे। अब यहां पर एक और लूप लगेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे 31, 32, 30 कोड नहीं डाल सकते ना, जैसे यहां पे लिखता है सीट्स और यहां पे 1.name=1, फिर यहां पे डालेंगे सीट्स, यहां पे 2.name=2, ऐसा नहीं कर सकते ना सर, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, हर चीज का अलग अलग है ना, इसलिए डायनेमिक नहीं होगा, इसलिए मुझे एक और लूप लगना है कि 4j=1 चले 1 to डे के अंदर में डीटी, क्योंकि हम मुझे कितना बार लूप को चलना है ये भी मुझे नहीं पता, तो हमने बोला कि उतना बार चलो जितना बार जो हमारा डे है, डीटी से डे निकाला हुआ है, नेक्स्ट जे कर दिया।
अब यहाँ वन के जगह पे मैं जे कर दूंगा और यहाँ भी मैं जे कर दूंगा। अब जे के जगह पे आप डेटा वन डेटा टू इस तरह से भी कर सकते हो, तो जे लिख दिया इसके जगह पे, आप यहाँ भी ये भी कर सकते हो कि डेटा और इसके साथ कंबाइन कर दीजिए जे, तो डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री भी। जब सीट ऐड होगा तो फाइल को सेव करके क्लोज कर दे। अब बोलेंगे सर मैंने सेव करने का कोड तो डाला ही नहीं, तो यहाँ है ना हमने ट्रू कर दिया। जब सेव करते समय पूछता है डू वांट टू सेव, ट्रू मतलब कि हमने यस करना। अच्छा माइक्रो खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज देगा एमएसजी बॉक्स फाइल्स एंड सीट, जो भी मैसेज देना चाहो मैसेज दे सकते हो। अब चलिए इसको मैं रन करता हूं, उससे पहले देख लू फोल्डर कहीं खाली है ना, मैक्रो एंड रन। बन रहा है? मैजिक देखिए, अब इस काम को मैनुअल करने में कितना लगता है? मुझे लग रहा है 365 शीट बनानी है, सेल बनानी है, तो मुझे एक फाइल कंप्लीट करने में 5 मिनट जरूर लगता, 12:60 एक घंटा का काम था ना सर? Yes, sir. मुझे हमेशा करना होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहां से डेटा देना होता है, तो दिन भर में मुझे ऐसे बहुत सारे फाइल बनाने पड़ते हैं, तो आपके घंटों के काम को विद इन मिनट में कंप्लीट कंप्लीट हो गया। अब किसी भी फाइल को जैसे जून को मैं ओपन करता हूं और देख लेता हूं कितने शीट्स बने, मैसेज भी आ गया ना, डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री डेटा फोर डेटा फाइव डेटा सिक्स डेटा सेवन, दिख रहा है आपको सर? कहां तक है? जून 30 का महीना है तो 30 कर दिया। अब आप लोग मुझे इस कोड को एक बार देखिए और बताइए कि कौन सा लाइन आपके लिए कंफ्यूजन वाला था। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि नहीं? मैं दोबारा कोड पे आता हूं। और आप सर जी, सर इसमें ये जो आपने दूसरा जो लूप लगाया है application.worksheet.function.io मंथ वाला, ये वाला सर, ये फॉर्मूला है, नहीं समझे? ईओ मंथ जो है एक्सेल का फॉर्मूला है, उसके अंदर जो हम अगर कोई डेट डालते हैं और जीरो करते हैं तो उस डेट के उस महीने का लास्ट डेट दे देता है। अच्छा, बट ईओ मंथ जो है डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमने वर्कशीट की फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल कर लिया उसको। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। जैसे डेट सीरियल फॉर्मूला जो है वीवीए का फंक्शन है, हमने उसको डायरेक्ट लगा दिया। अब दिया क्योंकि फॉर्मूला का रिजल्ट स्टोरेज चाहिए ना, कहने के रिजल्ट स्टोर करेगा ना सर? एक टेम्पररी लोकेशन है जो कि अपने अंदर रिजल्ट को स्टोर भी कर रहा है और अपडेट भी कर रहा है। ओके, ठीक है। तो जो सेकंड लूप लगाया है उसके अंदर मतलब ये जो डीटी है वो मतलब ऊपर वाले का रेफरेंस है और डेट का अलग है? इसी का रेफरेंस है, इसी का रेफरेंस है। एक नाम के दो वेरिएबल या दो कोड नहीं होते, कोड होगा या वेरिएबल होगा, याद रखिएगा। ओके, तो ये वाला DT जो पकड़ रहा है सर, ये लास्ट डे पकड़ रहा है ना? बस बेसिकली क्या है कि हमने ये लूप लगाया जिसको तो मैंने बताया ना 1 से 12 चलना है। अब इसको क्या बोलेंगे, 1 से कितना चलना है, 30 या 31 या 28? ये 1 से 12 चलेगा सर, ये 1 से 12 चलेगा सर। ये वाला जो 4J12 डेट है ये 1 से 12 चलेगा? नहीं, 1 से 12 कैसे चलेगा,
ये क्या कर रहा है पता आपको सर, ये सीट के रिनेम कर रहा है, जो सीट ऐड हुआ ना ये उसको अच्छा, कर रहा है। अच्छा, जितने सीट हम ऐड करेंगे उतने नेम उतने तो रिनेम करना पड़ेगा हमें, हम सीट कर रहे हैं। डीटी मतलब डीएनए से डीटी अलग करा है। डीटी क्या है, यह है 31 जनवरी 28 29 फरवरी जून ऐसे है, लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट में से डे अलग कर रहा है। अगर 31 जनवरी 31 अलग कर रहा है, 28 या 29 फरवरी है तो 28 या 29 को अलग कर रहा है, 31 मार्च 31 अलग कर रहा है। ओके ओके, तो जितना महीने के जिस महीने का फाइल बन रहा है उस महीने में जितने नंबर ऑफ डेज है उतने बार इस लूप को चलना है। ए डिसाइड कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले डेट सीरियल उस महीने का जिस महीने का फाइल बन रहा है उस महीने का पहला डेट क्रिएट करके देगा डीटी के ऊपर। फिर डीटी क्या करेगा, उस डेट को अपडेट करेगा उसी महीने की लास्ट डेट से, उसमें कर रहा है ईओ मंथ फॉर्मूला। क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर मतलब बेसिकली हम डेट मतलब बेसिकली पहले में हमने डेट सीरियल से क्रिएट किया एंड देन उस डेट को एक्सटेंड मतलब वो अलग अलग जाके एंड ऑफ मंथ तक लेके जा रहा है ना। हाँ, डेट सीरियल ने क्या किया, इस जो देखिए लूप चल रहा है, पहले लूप चला, लूप चलते हैं फोर चला। अब यहाँ पे देखिए इसको एक काम करता हूँ, मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। देखिए वन बाय वन चलाने के लिए एफएड यूज होता है, स्टेप इन्फॉर्म बोलते हैं उस लोग, ए बटन दे दो, वन बाय वन चलता है। एफएड चला, फोर चला, फोर में क्या हुआ कि आई के ऊपर क्या स्टोर हो गया, क्योंकि लूप पहला बार चल रहा है, वन आ गया। तो अब इसको डेट सीरियल क्या मिला, 2020 वन एंड वन, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया डेट फर्स्ट फर्स्ट 2020। अब ईओ मंथ को क्या मिला, फर्स्ट फर्स्ट 2020, इसने क्या किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दे दिया लास्ट में 31, यानी क्या 43861 नंबर में देता है, बट इस 43861 का अगर डेट में जाके देखे आप डेट वाले ऑप्शन में क्या था, ये जो आपका 31 मार्च जब ईओ मंथ जब फॉर्मूला देता है रिजल्ट करता है ना, तो इसमें लगता है नंबर में 31 मार्च मान, ठीक है। उसके बाद यहां पे फाइल क्रिएट हो गया, फाइल क्रिएट हो, सॉरी यहां पे एफएड से फाइल क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ फाइल क्रिएट हो गया ना जैन नाम से। क्या हुआ कि डीटी में क्या है, डीटी के अंदर 31 है, तो डे ने क्या अलग किया, डे ने अलग किया 31। तो देखिए यहाँ पे 31 सीट हो गए, हो गए। अब उस सीट को वन बाय वन रिनेम करना है, तो फोर वन बार चला और सीट वन को डेटा वन से रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे कर दिया। और ऐसे ही सीट टू को, सीट थ्री को, सीट फोर को, सीट फाइव को, सीट सिक्स को करेगा। कब तक करेगा, जब तक इसका 11 हो गया ना, यहाँ पे 12 हो गया, 13 14 15 16 हो रहा है ना सर, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब 31 से चला, क्योंकि डीटी का जो डे फॉर्मूला अलग किया वो 31 ही है, अलग किया है। तो अब लूप जो है देखिए बाहर निकल जाएगा, बाहर हो गया, जैसे मान 32 हुआ, 32 होते ही नेक्स्ट ने चेक किया कि भाई इसके एंड लिमिट से ज्यादा है, बाहर निकल गया, और फिर इस फाइल ने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दी, अभी आई क्या वन है, पर नेक्स्ट ने चेक किया वन है, मतलब कि इसके लास्ट से कम है, मैक्सिमम से कम है, ये वापस बोल दिया चलो। अब इस बार आई क्या हो गया, टू हो गया। अब सीरियल को मिला 2020 2 1, जिसने क्या किया फरवरी का डेट बना के दे दिया।
गया। फिर फरवरी के डेट से इसने लास्ट एंड ऑफ मंथ फरवरी का डेट निकाला, फिर फाइल को सेव किया, फिर उसने उतने ही शीट ऐड किए जितना उसमें डेट डे थे। देखिए यहाँ पे फिर उसको रीनेम किया, हाँ 39 शीट है, फिर उसको रीनेम कर दिया। फिर तीसरा चौथा पांचवा सातवां चरण ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो एक कोड मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूं, अब इस कोड को आप लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे इसको। हाँ ललित जी को भी भेज देता हूँ। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो ही गया है, फिर भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप लोगों को मिल जाए, अगर नहीं मिल सकता तो फर्स्ट डे है ना आप लोगों को। जी जी जी। तो अभिषेक जी क्या करना है, इस कोड में क्या चेंजिंग करना है बता आपको सर। अभी जैसे कि मुझे इस मैक्रो को रन करने से पहले